आज सुबह 6 बजे सवेरे ट्रेन में हमारी लड़की उसमें कूदी, उसका दुर्घटना हुआ, वहां से लड़के भाग गया, जिला अस्पताल में भर्ती है, बेहोश पड़ी रही। अब थोड़ा थोड़ा होश में आने लगी नहीं। क्यों आपकी बेटी ऐसा करी है? अब हमारी बेटी जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल हमारे बेटी के साथ दुर्घटना किया है, गलत किया है, उसको छेड़खानी किया है, उसको जबरदस्ती मार गरिया है कि उसको बोल रहा है कि किसी से बताना नहीं, तेरे भैया के तेरे मम्मी के मार डालेंगे, और कोई हमारे घर में रहा नहीं है, अगर किसी से बताओगे तो तुमका भी मार डालेंगे। अब हम चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार करे। आज 4 दिन का भिंसार हो गया और कोई उसके कार्रवाई नहीं हो रही है। धमकी दे रहा है कि अगर किसी के पास जाओगी, किसी का कहते हैं 2 लाख रुपया ले, सुलह हो जाओ। तो हम बोला कि हमको जो उड़ गई हमारी कैसे बटूर के आवे, तुम्हारे 2 लाख रुपये के हम क्या करेंगे, हमको जो हमारी देश में उड़ गई उसको हम कैसे बटोर रहे हैं। तो वो बोल रहा है, सबसे लोग से धमकी दिलवा रहा है कि तुमको मरवा डालेंगे, तुमको कटवा डालेंगे, तुमको भगा देंगे। तो सर ऐसी है कि हमारी कहीं सुनाई नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं। दिनांक 6/6/2024 को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटो और वीडियो के आधार पर थाना कोकराज में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। मुकदमे के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 5 टीमों का गठन कर दिया गया था। आज मुख्य विभाग से सूचना मिली कि मुख्य आरोपी टेढ़ी मोड़ पर है। उसी सूचना के आधार पर SOG की टीम और थाना कोकराज की टीम के द्वारा अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें लिखा पढ़ी की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जाएगा। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।